हमारे इसी में ये चल रहा था कि चकोर जो है वो अपने कपड़े बैकपैक कर रही थी और साथ ही में मेरे, लेकिन मैं बहुत शौक थी कि तू तो मेरे कपड़े क्यों बैकपैक कर रही, तो वो मुझे बताती है अरे साथ में तेरी भी तो शादी हो रही है। चलो यार। तो मैं बिल्कुल भी भूल गई कि मेरी शादी हो रही है एंड आई एम ग्लैड टू हैव अ सिस्टर लाइक चकोर जो मेरा ध्यान इतना रखती है। एंड मैं सूरज से अंदर प्यार करती हूँ, वहीं माई की एंट्री होती है सीन में एंड सूरज ने माई को कुछ बला बुरा बोला होता है, तो माई आपको बोलती है कि भगवान करे इमली तेरी शादी सूरज जैसे इंसान के साथ कभी ना हो। तो वहीं मेरा थोड़ा सैडनेस शुरू हो जाता है कि यार माई मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे प्यार नहीं करती, आई विश करती होती। हाल ही में फादर्स डे था तो उस दिन सेलिब्रेट किया फादर्स डे। जी मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, मतलब वी हैड गॉन फॉर अ डिनर, फैमिली डिनर था, तो डैड के लिए मैं एक्चुअली कुछ स्पेशल कर नहीं पाई क्योंकि मुझे यहाँ से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम सुबह 7 बजे के रात के 11-12 बजे तक हो जाए, बट आई मैनेज टू गो फॉर अ डिनर विद पापा एंड केक था। सो या ऐसी कोई मेमोरी से आपके मतलब जहन में थी मतलब पापा के साथ वो लाइफ ज़्यादा अच्छा था, मतलब टाइम स्पेंड जब मैं छोटी थी मुझे बहुत पैम्परिंग्स मिलती थी, अभी भी मिलती है, आई मीन मैं थक के आती हूँ एंड पापा फिर भी जगह हुए होते मेरे लिए एंड बट सबसे बेस्ट वो था कि जब मैं सोती थी तो मैं प्रेयर्स बिल्कुल नहीं करती थी रात को सोते वक्त, बट वो आदत मुझे पापा ने डाली कि रात को सोते वक्त कि भगवान को थैंक करके सोया जाए, तो दैट इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट मेमोरी आई हैव एंड अभी भी है। अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करती? मैं फिट हूँ कुछ नहीं करती यार मैं, मतलब वी डोंट हैव टाइम, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा खाने पे कंट्रोल करूँ बिकॉज जिम जाने का बिल्कुल वक्त नहीं होता हमारे पास, मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद मिलती है, उसमें भी घर जाना होता है, मेकअप निकाल के सोना होता है, नेक्स्ट डे की थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती है, तो बिल्कुल वक्त नहीं होता, बट कोशिश करती हूँ कि खाने में थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ तो थोड़ी बेटर। अभी हाल ही में कल योगा डे था तो आपने योगा किया था? नहीं हमने शूट किया था 13-14 घंटे फिर घर जाके इंसान सोएगा कि नहीं सोएगा, तो बिल्कुल यार मतलब वी ऑलवेज प्लान कि हम ऐसा करेंगे, आज इतना शूट करेंगे फिर हम जिम जाएंगे, बट प्रॉब्लम इज़ कि हमारा टेलीकास्ट इशू बहुत है तो हमें नींद बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो पैकअप अगर सुबह 7 बजे आए तो रात के 10, 10:30, 11 बजे पैकअप होता है, वी आर सो टायर्ड 15 घंटे काम करने के बाद एंड फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे आना, तो बस बिल्कुल वक्त नहीं होता घर जाके, टू बी ऑनेस्ट पेरेंट्स के साथ बात करने का भी वक्त नहीं होता, मैं जब जाती हूँ तब वो सोते हैं, मैं जब घर वापस आती हूँ या सुबह जाती हूँ दे आर स्लीपिंग, मम्मी एक जगह भी होती है शी इज़ मेकिंग फूड मुझे देने के लिए, बट कुछ इंटरेक्शन नहीं हो पाती, उठ के मैं फ्रेश होती हूँ तो फिर खाना रेडी होता है लेकर मैं निकल जाती हूँ, सो आई डोंट हैव टू सेलिब्रेट एनी थिंग, मतलब कुछ वक्त ही नहीं है। इमली का बच्चा इज अ बिग हाईलाइट एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं पता कि सूरज मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उम्मीद बढ़ गई क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट दिया बिछुआ जो पैर में पहनते हैं, जो सब नहीं पहनते वो देते हैं, वो हमेशा एक मैरिड वुमन्स को देते हैं, एक हस्बैंड वाइफ मतलब जो भी है शादीशुदा औरतों को देते हैं, एंड वो उसने मुझे गिफ्ट किया, वो आपको एपिसोड से पता चलेगा, तो हम कन्फ्यूज हैं कि ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, संगीत में भी मैंने उनके साथ डांस किया है, तो मतलब कन्फ्यूजन है कि मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा शादी के बाद जब उसको पता चलेगा कि उसकी शादी टीना नहीं इमली से हो जो उसकी बंदवा है नौकर है, तो वी डोंट नो बिकॉज सूरज इज़ अ नाइस पर्सन टूवर्ड्स इमली बट ही इक्वली हैज़ दैट ईगो इशूज़ कि मैं एक नौकर से कैसे शादी कर सकती, वी आर एज ऑफ नाउ फोकसिंग ऑन दिस एंड कमल नारायण पे थोड़ा फोकस हो रहा है, जेल से वापस तो आएगा शायद या उनके मरने की न्यूज़ ऐसा कुछ है, तो लेट्स सी। थैंक्स के लिए कुछ कहना चाहिए? देखते रहिए हमें सपोर्ट करते रहिए उड़ान देखते रहिए, बस हमारी टीआरपी बढ़ गई तो हम बहुत खुश हैं आपसे, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देने के लिए, सो या